दोस्तों नमस्कार, टीआरपी टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रवि पारिक, आपका दोस्त। दोस्तों मैं पिछले चार एपिसोड्स में मैंने हैबिट्स के बारे में बात की है और मैंने आपको ये भी बताया है कि हैबिट्स पर मैं 100 प्रेजेंटेशन वीडियो आपके सामने लाने वाला हूँ। इस सीरीज में मैं आपको पिछले वीडियो की याद दिलाता हूँ जहां पर मैंने कहा था कि आदतें आपको गुलाम बनाती हैं। इसलिए यदि आपको गुलामी करनी है तो अच्छी आदतों की कीजिए, न कि गलत आदतों की। आप ऐसी आदतों की गुलामी कीजिए जो भविष्य में आपको सफल बनाए। इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं आज का लेटेस्ट सबसे हॉट टॉपिक, जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है। कॉफी शॉप हो, चाय पीने के वक्त हो, ऑफिसर्स में हो, दोस्तों में हो, परिवार में हो, फैमिलीज भी यही बात कर रही। जी हाँ, सही सोचा आपने। मैं बात कर रहा हूं आर्यन ड्रग केस की। सबसे बड़ा चर्चा का विषय हो रखा है। पे ऑफ कोर्स दे आर सेलिब्रिटीज, उनकी तो चर्चा होगी। ऐसे भी मिडिल क्लास फैमिलीज में बहुत सारे परिवार हैं जहां पर इस तरह की घटना घट रही है। इसकी शुरुआत कहां से होती है? मैं बात कर रहा हूं स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रग्स। मैं आपको बताऊं, मैंने मेरे जिंदगी में कभी भी एक कश सिगरेट का नहीं लिया, ना मैंने कभी अल्कोहल, बियर या ड्रग लिया। मैंने कभी कोई नशा नहीं किया। कारण यह है कि बचपन से ही मुझे थोड़ा सा हैबिट कंट्रोल करने की आदत थी। बिफोर दैट मैं आपसे ये चर्चा करता हूं कि भी आदत कैसे लगती है। मैं जब कॉलेज में था तो मेरे दोस्त जो सिगरेट पीते थे वो कहते थे, यार रवि ले एक कश कर, थोड़ा सा वो जो कॉलेज में सिगरेट पीते हैं तो वो थोड़ा सा मैचो मैन टाइप के वो लगते हैं। तो यदि आपका दोस्त आपको कह रहा है कि भी सिगरेट पी, तो क्या आपको सिगरेट पीना जरूरी है? नहीं, मैंने मेरे दोस्तों को मना कर दिया, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। मुझे वो चिढ़ाते थे, लड़की है, अरे छोड़ यार। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है कि यदि आप दोस्तों के साथ रहते हो तो आपका नेक्स्ट स्टेप इज बियर। अरे पी ले यार, ये तो बियर है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। हाँ, यदि आप अपने आप को लड़की कहने से, जो दोस्त आपको ताने मारते हैं उनसे आप यदि अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हो तो आप उसको पी लोगे। आपने एक बार सिगरेट का कश लिया या बियर पी तो आप सेकेंड टाइम भी पीते हो। सेकेंड टाइम आपने पिया है तो थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम भी आप पियोगे। इसी प्रकार आदत की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है और वो आपकी लत बन जाती है, आपको गुलाम बना देती है। दोस्तों स्मोकिंग करना, बियर, अल्कोहल, हार्ड ड्रिंक्स, ड्रग्स, ये आजकल अपने समाज में बहुत ज्यादा एक्चुअली में डीपली पिनिट्रेट होते जा रहे हैं, खासकर टीनेजर्स, बच्चों में। वहीं से हमारा समाज एक मजबूत समाज बनना चाहिए। हमारे समाज को खोखला करने के लिए ये थोड़ा सा एक, ये जो टेररिस्ट कहो या अपराधियों का कहो, वो हमारे समाज को खोखला करना चाहते हैं अपनी इनकम के लिए, लेकिन आज फेस करना पड़ता है हमारे समाज को। मैं उनकी चिंता समझता हूं जो पेरेंट्स हैं जिनके टीनेजर्स बच्चे हैं, वो हमेशा चिंतित रहते हैं कि भी मेरा बच्चा कॉलेज जाएगा या बाहर जाएगा दोस्तों के साथ तो वो क्या करता होगा। आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन बच्चों को थोड़ी सी अच्छी शिक्षा दे सकते हो। मेरे केस में क्या था कि भी मेरी दादी माँ बचपन से ही रामायण पढ़ने के लिए बिठा देती थी, पढ़ो, और फिर वो थोड़ा एक्सप्लेन करती थी, ऐसे हुआ, कैरेक्टर ऐसा होता है, वगैरह वगैरह, तो वो बातें हमारे दिमाग में थोड़ा सा बस गई थी। इसी प्रकार आपको अपने घर में भी थोड़ा सा माहौल पॉजिटिव बनाना होगा, बच्चों को इन सब से दूर रहने के लिए उनको इस प्रकार के हालात को ना कहने की आदत डालनी पड़ेगी। यदि आप देखते हैं कि भी आपके बच्चे के व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन आ रहा है, वो चिड़चिड़ा हो रहा है या एग्रेसिव हो रहा है या डिमांडिंग हो रहा है या गुस्सा कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा, बच्चे को थोड़ा सा ध्यान देना होगा और उसको कहीं वो इस तरह की गलत आदत में तो नहीं फंस रहा है, इस बात का आपको ध्यान देना होगा। और यदि आपको ऐसा लगता है तो तुरंत आपको उसके ऊपर कुछ स्टेप्स उठाने होंगे।
दोस्तों, हमारे बच्चे हमारे भविष्य, हमारे देश का भविष्य है। हम उन बच्चों को इस तरह से इन गलत आदतों में, इन गलत आदतों का शिकार होते हुए नहीं देख सकते। हमें चाहिए हम हमारे बच्चों में अच्छी आदत डेवलप करें। आप जिस प्रकार घर का माहौल बनाएंगे उस प्रकार की आदतें डेवलप होगी। अब ये सेलिब्रिटीज है, उनका तो माहौल ही पूरा स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रग्स का ही है, तो नेचुरली एक बच्चा वो सब जो देखेगा वो सीखेगा। लेकिन हम हमारे घर में अच्छा माहौल विकसित करके हम अपने बच्चों को एक सही राह दिखा सकते हैं। दोस्तों याद रखिए, आदतें आपको गुलाम बनाती है। यदि आप टीनेजर हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, या आप पेरेंट्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि यदि आपको आदत विकसित करनी है आप में या अपने बच्चों में, तो आप अच्छी आदतें विकसित कीजिए। टाइम मैनेजमेंट वो वेरी इंपॉर्टेंट, गुड हैबिट्स, अच्छा खाना, समय पर उठना, समय पर सोना, आप अच्छी किताबें पढ़ने का आप अपने घर में एक माहौल बनाइए। यदि आपका बच्चा छोटा भी है, 6 महीना, साल भर, 2 साल, तो वो जब आपको पढ़ते देखेगा तो उसे भी रीडिंग का हैबिट डेवलप होगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जो देखता है उसी प्रकार का वो बनता है। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये थॉट थोड़ा सा अलग लगा होगा, लेकिन ये आदत के विषय पर ही है। आदत छोटी सी शुरुआत से बनती है। आप गलत आदतों को न अपनाएं और अपने जीवन को, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अच्छी आदतों को विकसित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।